हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी लोग अच्छे हो बढ़िया हो फिट हो बिल्कुल ऐसे रहिएगा तो चलिए आज हमारा पहला सेशन है कस्टम्स का फॉर मे 22 एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अपियर हो रहे होगे गए एज वेल एज नवंबर 22 एग्जाम के लिए भी ये सेशन आप कंटिन्यू कर सकते हो सो दोस्तों आज का पहला सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आ, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ माइसेल सी ए विशाल भट्ट फैकल्टी ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पुणे वी स्मार्ट एकेडमी नाम तो थोड़ा बहुत आपने सुना ही होगा हाँ थोड़ा अपने बारे में बता दूँ तो यहाँ मैंने 2005 में सी क्लियर किया और यस yes, एग्जाम पास होने के पहले ही मैंने ये कोर्स अपना स्टार्ट कर दिया था मतलब पढ़ाना पहले से ही स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद में यस टीचिंग ही मैंने कंटिन्यू किया और आज यहां पे लगभग आप कह सकते हो सिक्सटीन ईयर्स हो चुके हैं ओनली इन दिस सब्जेक्ट इन डायरेक्ट टैक्सेशन और ये सब्जेक्ट मैं पहले एक्साइज कस्ट, एक्साइज कस्टम्स और सर्विस टैक्स में पढ़ाया और बाद में अब जी आने के बाद 2017 के बाद अगर हम बात करें तो जीएसटी और कस्टम्स में मैंने पढ़ा है सो so, चलिए दोस्तों ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे यस yes, बेटा चलिए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर यू रेडी चलिए तो सबसे पहले हम यहां पे मार्क्स अलोकेशन के बारे में देखेंगे आ, इस टेबल में हम देखेंगे कि सीए फाइनल लेवल पे कितने एक्ट अप्लीकेबल है जैसे आप देख रहे हो तो जीएसटी कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट मार्क्स एलोकेशन के बारे में बात करेंगे और थर्ड नंबर ऑफ लेक्चर्स तो एक्ट में हम देखेंगे तो जीएसटी हमें पढ़ना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसके बाद में सेकंड कस्टम्स एक्ट और थर्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जीएसटी में टोटल फाइव एक्ट है ध्यान सुनिएगा जीएसटी में टोटल फाइव एक्ट है पहला है सी जी अगर आप देख रहे हो तो पहला है सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन वॉट डू मीन बाय सी जी एस टी अब आप इनअप मैच्योर्ड हो ओके ये तो आपको पता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन एस जी एस टी स्टेट जीएसटी कहा जाता है यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटे जीएसटी कहा जाता है आई जी एस टी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस एक्ट ओके इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन और हम देखेंगे जीएसटी कंपेंसेशन सेक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन लेकिन अबे हमें सिलेबस में क्या सर टोटल फाइव एक एक एक्ट पढ़ने जो पढ़ने हैं क्योंकि जो सी जीएसटी एक्ट है वैसा ही एस जीएसटी और यूटी जीएसटी है इसलिए मतलब नहीं कि एस जीएसटी और यूटी जीएसटी हम पढ़े और जीएसटी कंपनसेशन हमारे सिलेबस में नहीं है और ये दो एक्ट हमें जीएसटी में पढ़ने और इसको हमारे इंस्टीट्यूट ने 75 मार्क्स अलोकेट किए हैं, रिपीट मार्क्स मार्क्सोट किए इंक्लूडिंग एमसीक्यू एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे बाद में लेकिन 75 मार्क्स और हमें इसके लिए जो नंबर ऑफ लेक्चर्स लगने वाले हैं वह नंबर ऑफ लेक्चर्स है फोर्टी सेवन लेक्चर्स और एक लेक्चर जो है साढ़े तीन घंटे का होगा ओके okay, ध्यान hmm. से सुनिएगा एक लेक्चर साढ़े तीन घंटे का होगा 3.5 मतलब हाँ थ्री पॉइंट आवर्स कभी कभी 10-15 मिनट ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि रिवीजन ले लेता हूं लेकिन साढ़े तीन घंटे का लेक्चर रहेगा ठीक है यहाँ पे ओके okay, 47 सेवन लेक्चर्स इसको लगेंगे जीएसटी को इंक्लूडिंग आई आई जी एस टी दोनों एक्ट पढ़ेंगे दूसरा हमारा है बेटा कस्टम्स एक्ट कस्टम्स एक्ट नाइनटीन ये आपके लिए बिल्कुल नया है

तो रेगुलर इंडेप कोर्स का यही बे बेटा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम बहुत डिटेल में जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है जो आपके ऑफिस में कंसिडर uh, किए जाते हैं वो भी मैं देखूंगा बहुत सारी केस स्टडी प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो मैं डेली रीड करता हूँ उसके बारे में भी हम बात करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये इंडेप रेगुलर इनडेप कोर्स मजा आएगा आपको तो चलिए जहां तक है यहां पे कस्टम्स के लिए जो 20 मार्क्स आई ने अलोकेट किए हैं और लेक्चर्स लेक्चर्स होते है। I repeat, इसके 16 होते हैं। हैं। इसके की अगर हम बात करें, तो foreign trade policy 5 marks के लिए दिया हुआ है और इसके दो लेक्चर्स होते हैं ऐसा टोटल हंड्रेड मार्क्स का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है इंक्लूडिंग एमसीक्यू और सिक्सटी फाइव लेक्चर्स हमें लगेंगे। आई रिपीट सिक्सटी फाइव जिसमें हम

ओके okay. यहाँ पे दीवार पे चिपका देना सुबह शाम इसको देखना अब एटी टारगेट आपका इनडायरेक्ट टैक्स में होना चाहिए तो बेटा मैं कहूंगा ये क्लास लगाना आपका सक्सेसफुल रहा अदरवाइज फोर्टी फिफ्टी तो आपको वैसे ही आ जाएंगे तो अब एटी मार्क्स का आपका टारगेट होगा जिसमें एमसीक्यू वगैरह कितना होगा तो ये टेबल मैंने लिया है जो आखिरी में मैं डिस्कस करूंगा यहां पे हमारे डिस्कशन में चलिए वापस आ जाता हूं और यहाँ टोटल 65 फाइव लेक्चर्स मैंने दिए है एक दो लेक्चर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं बेटा थेरोटिकल सब्जेक्ट है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 65 फाइव लेक्चर्स में खत्म कर दूँ तो 47 सेवन लेक्चर्स हमारे जी एस टी के लगेंगे सिक्सटीन लेक्चर्स कस्टम्स के लगेंगे और दो लेक्चर्स फॉरन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड लगेंगे अब आपके एग्जाम को फॉरन ट्रेड पॉलिसी फ़िलहाल नई कोई नहीं आई है हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड मैं अभी बात कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा So, देखिए बेटा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड यहां पर जैसे पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चालू है और वो है 2015 और 20 और बीच में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था कि नई फॉरेन ट्रेड पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 30 सितंबर तक लागू रहेगी 30 सितंबर तक लागू रहेगी अब देखो हमारा कोर्स आज चालू हो रहा है अगर 30 सितंबर 2021 तक वही पॉलिसी आगे लागू रही और आगे एक्सटेंड हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमारी कट ऑफ डेट फॉर अमेंडमेंट है थर्टी अक्टूबर जिसके बारे में आप आगे बात करेंगे लेकिन यहाँ थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक कोई नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं आई तो जो पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वही लागू रहेगी लेकिन अगर सर आपका सवाल होगा नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई तो अगर नई ट्रेड पॉलिसी आ गई होगी तो मैं तो पढ़ाई रहा हूं ना और उसकी नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा क्लियर यस और नो देखते हैं आगे क्या होता है मैं लेक्चर के कंटिन्यूटी में आपको अपडेट करते रहूंगा आपको अपडेट करते तो फाइव मार्क्स की फॉरन टेड पॉलिसी जो डिस्कशन कम्पलीटली थे वो आपको रट्टा ही मारना पड़ता है बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको ईजी कर सकू और वो फॉरन टेड पॉलिसी आपका भी फेवरेट एक थेरी कंप्लीट थेरी आपकी फेवरेट बने और यस उसमें भी आपके ये फाइव मार्क्स इंपॉर्टेंट हो क्योंकि अब अबो एटी जाना है तो ये भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है चलिए तो ये हमने देखा लेकिन दोस्तों मैं आपको कह दूं हम स्टार्ट करेंगे कस्टम से हम स्टार्ट करेंगे कस्टम से सर क्यों कस्टम से क्यों स्टार्ट करना है हमें कस्टम से पहले कस्टम्स फिर मैं GST, में जीएसटी और लास्ट में फॉरन पॉलिसी लास्ट में फॉरन पॉलिसी तो अब आपका सवाल होगा कि सर हम कस्टम से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं रीजन ये है कि आपको जो अमेंडमेंट्स अपलीकेबल होती है आगे में अमेंडमेंट्स पे आऊंगा अमेंडमेंट्स अपलीकेबल होती है मे 22 एग्जामिनेशन के लिए वो अपलीकेबल होती है 31 अक्टूबर आई रिपीट 31 अक्टूबर 2021 तब तक की अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल होती है भाई अभी तो और एक महीना बाकी है और ये जो और एक महीना बाकी है तो करें क्या ओके okay, जो बची हुई अमेंडमेंट्स है और अब सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स होती है जीएसटी में आपका लक है ज्यादा इस बार नहीं है आपका लक है लेकिन बता देता हूं कि अमेंडमेंट जीएसटी में तो कस्टम्स में जो फाइनेंस एक्ट यहां पे एप्लीकेबल होता है उसमें फिर ज्यादा चेंजेस नहीं जो भी चेंजेस होती है वो फाइनेंस से कंप्लीट कर लिए जाते हैं है। तो कस्टम स्टेबल है, है कस्टम से फिर अगर जीएसटी में कोई अमेंडमेंट्स आती रही तो जब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे उसमें कवर कर लेंगे तो इस तरह से मैंने थोड़ा डिजाइन किया है तो यहां हम स्टार्ट करेंगे कस्टम से और दूसरा मैं आपको बता दू जीएसटी आपने पढ़ा हुआ है कस्टम नहीं पढ़ा है और कस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ नए नए से शुरुआत करते हैं ओके कुछ नया हो जाए कुछ मीठा हो जाए ठीक है तो नए से शुरुआत करेंगे नए से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा और मैं कस्टम ना थोड़ा ये यहाँ पे अगर बुक कहो तो एनिमेशन में पढ़ाता हो थोड़ा आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि भाई सर यहाँ पे डांस कर रहे हैं एनिमेशन कर रहे है ओके सर कोई एक्टर तो नहीं है तो वो भूल जाना लेकिन बड़ा इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ा होगा और आपको कह दूँ पहले एक दो दिन का मुझे टाइम देना ओके एक बार आपका फ्लो मैंने मैनेज कर दिया कि फिर देखो इतना सब्जेक्ट के अंदर घुसेगे कि आप भी बहुत एंजॉय करोगे माइंड भी आपको फर्स्ट और सेकंड डे ऐसा लगे थोड़ा स्लो भी लगे तो लगने देना बेटा लगने देना थोड़ा स्लो भी लगे तो लगने देना पर बाद में बहुत मजा आएगा वैसे स्लो नहीं लगेगा बता दे रहा हूं ठीक है तो अब ऐसे सिचुएशन में कस्टम्स एक्ट नाइनटीन जो है हम इससे स्टार्ट करेंगे फिर जीएसटी जीएसटी में दोनों साथ में पढ़ लेंगे और फॉरन ट्रेड पॉलिसी आया कि नहीं आया समझ में बोलो हाँ बोलो हाँ लाइफ में हाँ बोलना पॉजिटिव वे में तो यस yes, ये आदत लगा दो तो बहुत काम आएगा तो लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा यस yes! तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा सिलेबस ओके मार्क्स अलोकेशन और नंबर ऑफ लेक्चर्स ठीक है चलो चलिए अब तो आपको क्लास मटेरियल के बारे में मैं समझा देता हूं आप अगर यहां पे देखोगे तो क्लास मटेरियल मैंने यहां रेगुलर मॉड्यूल क्वेश्चन एयर चार्ट बुक इस तरह से दिया है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो रेगुलर मॉडल रेगुलर एक्ट डिटेल में हम यहां पे चार्ट्स भी निकालते हैं मॉड्यूल बेटा कंप्लीटली कलर्ड नोट्स है और विथ पिक्चर प्रेजेंटेशन ये आपका कस्टम्स का मॉड्यूल है और ये कस्टम्स के मॉडल में आप देखोगे तो कंप्लीटली कलर्ड है और पिक्टल प्रेजेंटेशन दिया गया है चलिए इसका मैं आपको एक डिजिटल बुक बता देता हूं तो आपको समझेगा कि हमारा यूनिक फीचर क्या है और आपने यहां इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्यों लगाना चाहिए देखिए यस बेटा जस्ट मिनट ये कवर पेज जो ठीक है डिजिटल बुक का अलग है आपको कवर पेज कुछ इस तरह से आएगा अब यहां अगर आप देखोगे बेटा तो ये डिजिटल बुक मैंने लिया हुआ है इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट का इंडेक्स है सेक्शन वाइज इंडेक्स दिया गया है सेक्शन लर्न करने में आपको आसानी होती है जो बहुत से स्टूडेंट यूज करते हैं कंप्लीटली कलर्ड नोट्स है, है। बहुत सी जगह इंटरेक्टिव मैंने बनाया हुआ है जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं और वो टेक्स्ट जो है यहां पे दिया है बहुत मजा आता है आप रियली really एंजॉय करोगे कस्टम्स को समझने के लिए जैसे कस्टम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझने के लिए हैं। और ये के साथ मैं आपको हम पूरा एनिमेशन okay, uh, में होता है टैक्स भी होता है और उसको कैसे लिखना है इसके पर हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट हर चैप्टर के स्टार्ट में सेक्शंस इंडेक्स दिए हम उस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले वो भी यहाँ पे दिया है

जीएसटी के आपको थ्री मॉडल्स मिलेंगे क्या हो रहा है चलिए जीएसटी के आपको थ्री मॉडल्स मिलेंगे और कस्टम्स का एक मॉडल मिलेगा और एफटीपी इस बार आपको एक अलग से मॉडल मिलेगा अब हुआ यू मैं एफटीपी के बारे में आपको बता दूं कि कुछ नोट्स में तो एफटीपी गया होगा एंडिंग में आपने एक बार चेक कर लेना आपका कस्टम्स का क्योंकि कस्टम्स के साथ ही ये कस्टम मॉडल के साथ ही मैं एंडिंग में यहाँ पे फॉरेंटेड पॉलिसी का मॉडल भी अटैच कर देता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स को फॉरेंटेड पॉलिसी जो है कस्टम्स के साथ ही अटैच करके मिलेगी मिली होगी हो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिला होगा क्योंकि कुछ नोट्स प्रिंट हो गई थी और बाद में हमने एफ निकाल दिया सर आपने उसमें से एफ क्यों निकाल दिया क्यों क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर सितंबर के बाद हमारे गवर्नमेंट ने नई एफ लाया तो वो पुरानी नोट्स कोई काम की नहीं होगी इसीलिए आपके कस्टम्स के बुक में आपके इसमें एफ होगा नहीं होगा उससे कोई कंसर्न नहीं है आपको मैं एफ का मॉड्यूल जो हमारी सेकेंड शिपमेंट आएगी थर्ड शिपमेंट आएगी उसमें आपको सेपरेटली सभी स्टूडेंट्स को एफ का मॉडल मैं प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है तो यहां पे टोटल जीएसटी के थ्री मॉडल्स कस्टम्स का एक और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक ऐसे टोटल आपको जो है फाइव रेगुलर बुक्स मिलेगी ओके तो यहां सर एक सवाल है क्या सर अगर आपका रेगुलर मॉडल पढ़े तो हमें क्या कोई दूसरा मटेरियल पढ़ने की जरूरत है नहीं क्या आईसीएआई का मटेरियल पढ़ने की जरूरत है नहीं मैंने सब कुछ अपने रेगुलर बुक में कवर कर लिया है आईसीआई के हर कंसेप्ट अपने रेगुलर बुक में है विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन विद चार्ट्स विद कलर बुक तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है चलिए अब क्या होता है कि आपने रेगुलर बुक तो, म, से मेरे साथ डिस्कस तो कर लिया पर बहुत सी बात स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद कंसेप्ट को समझने के बाद ये सोचता है कि यार अगर मुझे मेरी ये प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और मैंने कैसे लिखना चाहिए बिल्कुल यह अप्रोच होना ही चाहिए और आपका थॉट ये होना ही चाहिए कि सर समझ तो गए लेकिन ये बताओ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए उसके लिए होता है बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक्स सो इसका मतलब ये है कि यहां पे रेगुलर मॉड्यूल जो है उसमें तो मैं क्वेश्चन लेता ही हूं पर इन एडिशन टू दैट हमारा क्वेश्चन बैंक होता है जिसे हम क्वेश्चन अवेलेबल है, है ये कस्टम्स का क्वेश्चन अवेलेबल है यह क्वेश्चन एयर की यूएसपी क्या है मैं उस पर रीड करके आपको बता देता हूं यूएसपी ये है कि इसमें आरटीपी के सारे क्वेश्चन कवर किए गए आरटीपी के सारे क्वेश्चंस जो पिछले आ, के, पांच छह साल से कवर्ड है क्योंकि उसके पहले का कस्टम्स जो है वो रिपीटेशन है तो पिछले पांच छह साल में जो आरटीपी के क्वेश्चन है वो सभी मैंने कवर किए हैं उसके बाद में ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चन अभी तक जो भी जितनी भी एग्जाम्स हुई है सबके क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं नेक्स्ट मैं आपको ये बता दू यहाँ पे कि मॉकटेस पेपर के क्वेश्चन भी उसमें कवर्ड है एज वेल एज मुझे जो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं या मैंने बनाए हुए वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं अराउंड अगर आप एमसीक्यू छोड़ दो तो 11 टू 1200 हंड्रेड क्वेश्चन जीएसटी और कस्टम्स के फॉर सब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल इन फॉर प्रैक्टिस इनअ फॉर प्रैक्टिस और मैं ये कहता हूं कि ये क्वेश्चन कर लेना बस आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में मेरी डिजिटल बुक यूज करके बताऊंगा ठीक है तो आपको जीएसटी के कितने uh, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बुक मिलेगी तो यहाँ जीएसटी की दो यहां क्वेश्चन बुक आपको मिलेगी उसके बाद में नेक्स्ट आपको कस्टम्स की एक बुक बुक मिलेगी कस्टम्स की ही में इंक्लूडेड है इसलिए आपको सेपरेट नहीं मिलेगी हाँ नया एफ आएगा नया एफ आएगा तो उसका क्वेश्चन अलग से नहीं मिलेगा ये जो एफटीपी बुक रहेगी इसमें ही उसको हम ऐड करके दे देंगे उसमें ऐड करके दे देंगे तो ऐसे टोटल आपको थ्री क्वेश्चन बुक मिलेगी थ्री क्वेश्चन बुक मिलेगी नाउ अब आपका एक सवाल होगा सर ये बताइए हमें यहां पे कि क्या ये क्वेश्चन एमसीक्यू इंक्लूडेड होगा क्या नहीं एमसीक्यू uh, क्यू जो उसमें केस स्टडी बेस भी एमसीक्यू रहेगा एमसीक्यू बुक जो है आपको यहाँ पे पीडीएफ कॉपी मिलेगी फिजिकल कॉपी नहीं तो एमसीक्यू बुक पूरा आपको पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा

तो आपको अभी जो फिजिकल कॉपी मिलने वाली है वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका आपको मिलेगा चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड मैं थोड़ा और आपको जानकारी देना चाहूंगा और इसके यूनिक फीचर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा चलिए देखिए अगर आप क्वेश्चन पे आते हो तो ये बेटा हमारा आपको क्वेश्चन की फिजिकल बुक तो हम देंगे लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया में ध्यान से सुनना फर्स्ट टाइम इंडिया में क्वेश्चन का Only questionnaire का, हम आपको डिजिटल बुक देंगे विथ वीडियो so, क्या कह रहे हो देखिए आप ओके जो है है आज तक में में किसी ने ऐसा नहीं किया है, और जब हम इस जमाने में आ गए कि सब e होगा, तो रियल ई लर्निंग कैसा होगा और मैं ऑलवेज आपके साथ कैसे रहूँगा देखिए आपको ये जो है डिजिटल बुक की लिंक प्रोवाइड की जाएगी क्वेश्चन की यानी फिजिकल कॉपी तो आएगी एज वेल एज डिजिटल लिंक भी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों भी यहां पे लिंक में आएगा अभी जो जो एक्टिव हुआ है वो हमने एक्टिव करके रखा है देखिए अब मैं राज ओपन करना चाहूंगा जैसे ही आप इसको बुक क्लिक करते हो क्वेश्चन बुक को यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिजिटल बुक आ जाएगी और ये जो डिजिटल दिज, बुक है इसमें क्वेश्चन जिस तरह से अगर मैं टर्न करूं आप हाँ नो no डाउट ये डिजिटल बुक आपको चलाना है तो इंटरनेट होना जरूरी है अब देखो बेटा हर चैप्टर के क्वेश्चन में जैसे एग्जाम्पल जीएसटी का लिया है यहाँ पे इंडेक्स बनाया हुआ है और हर कंसेप्ट पे मैंने कितने क्वेश्चन लिए ये भी दिया हुआ है एज वेल एज अगर आप देखते हो तो मैंने नीचे जो इंडेक्स दिया हुआ है ये जूम नहीं हो रहा है चलो कोई बात नहीं यहाँ पे देखता हूँ हो, जूम होता है क्या चलो हो गया भाई इतना ही ज़ूम हो सकता है तो अब नीचे इंडेक्स देखोगे तो मैंने मटेरियल में कितने क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी दिया है उसके बाद में आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर में कितने है? और मैंने कितने एडिशनल क्वेश्चन डाले वो भी मैंने दिया है चलो ओके okay, सर ये आपको एग्जाम के पहले आपने ये डिसाइड किया कि नहीं सर मुझे सिर्फ ये जो है आईसीआई करना है तो आप वो करना आपका और पढ़ना नहीं हो रहा है तो आप वो सेग्रीगेशन दिया है। जब आप क्वेश्चन क्वेश्चन में आओगे तो कंप्लीटली कलर्ड बुक है ठीक है उसके बाद में यहां पे कंसेप्ट वाइज ओके क्वेश्चन को सेपरेट किया हर क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किया है कि आपने एक बार रेगुलर बुक पढ़ लिया उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चनर पढ़ा दैट्स इनफ ये आपका एंटायर सिलेबस कवर कर लेता है कोशिश तो पूरी की है कोशिश तो पूरी की है यहां पे और अब इसका एक मैजिकल फीचर आपको बताना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्च किया है इसके बाद में आपको देखने मिल जाएगा पर फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्च किया है और वो है बेटा ये कि हर क्वेश्चन के सामने मैंने वीडियो के यहां पे एक टैब दिया है इस डिजिटल बुक में ही आपको मिल जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो सुनिए आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो और हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरे अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ रहा है तो बस आप एक काम कीजिएगा मैं आपके साथ में रहूंगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि आप इसको जस्ट क्लिक कर लीजिएगा मेरा वीडियो उस क्वेश्चन का डिस्कशन का आपके सामने आ जाएगा ओके बस आप इसको प्ले कर लो दैट्स इनफ प्ले कर लो दैट्स इनफ यानी मैं आपका साथ बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं एंड तक आपका क्लास रख आपका क्लास मैं लेने वाला हूं और आपके साथ रहने वाला हूं चलिए दोस्तों आई होप आपको यह पसंद आया होगा और यस मेरे साथ एग्जाम के एंड तक पढ़ते रहिएगा मैं आपको ऑलवेज असिस्ट करते रहूंगा चलिए आते हैं तो यहां हमने देखा क्वेश्चन बुक्स रिलेटेड और इसका यूनिक फीचर भी देखा एमसीक्यू पीडीएफ कॉपी और डिजिटल कॉपी आपको आ जाएगी मतलब क्या मतलब अगर मैं आपको और क्लियर समझाऊं तो आपको यह फिजिकल कॉपी तो मिल ही जाएगा फिजिकल कॉपी मिल जाएगा और प्लस डिजिटल कॉपी की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिजिटल कॉपी की लिंक भी आपको मिल जाएगी सर ये डिजिटल कॉपी की लिंक कहां पे मिलेगी आपके लॉगिन में जो राइट right साइड में यहाँ पे आ, एक योर प्रोफाइल आता है दूसरा ऑर्डर स्टेटस आता है ऑर्डर स्टेटस में जब जाओगे तो उस ऑर्डर स्टेटस में कोर्स मटेरियल या कोर्स कंटेंट रहेगा कोर्स कंटेंट में जाके आप देखोगे तो कोर्स मटेरियल में आपको मिल जाएगा मैंने आपको कोर्स बाय करते वक्त एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें तो वो कोर्स मटेरियल में आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पे डिजिटल कॉपी लिंक मिल जाएगी और कुछ डेमो पीडीएफ भी आपको आप, अवेलेबल वहां पे हो जाएगी दोस्तों जैसे अभी हम बुक डिस्पैच चालू कर रहे हैं तो तब तक आपको पीडीएफ भी वहां से मिल जाएगा अगर आपको ये सेशन स्टार्ट करना है चलिए नोट्स उसके बाद में यहां पे वॉल चार्ट वॉल चार्ट क्या होते हैं वॉल चार्ट बेटा इस तरह के चार्ट होते हैं भाई आपने रेगुलर क्लास पढ़ लिया बुक भी पढ़ ली क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए अब कुछ यहां पे मीठा हो जाए क्विक रिविजन फास्ट हो जाए और ये फास्ट और क्विक रिविजन के लिए मैंने ऐसे चार्ट बनाए हैं ऐसे चार्ट बनाए हैं बेटा या आप देख रहे हो तो ये यह रहे यहां पे चार्ट यहाँ पे फास्ट और क्विक रिवीजन के लिए आप चार्ट्स देख रहे हो ये चार्ट्स थोड़ा अगर मेरे पास इसकी कॉपी होगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कॉपी uh, तो होना चाहिए जीएसटी चार्ट पे यस yes. ये चार्ट्स अगर आप देख रहे हो तो ये इस तरह के जीएसटी चार्ट्स होते हैं जिसके वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे आते है सॉरी सॉरी बेटा जिसके वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे आते हैं और ये कंप्लीट सबरी रिविजन होता है और इसमें हर चैप्टर एक एकमेक से कैसे कनेक्टेड है ये चार्ट में मैं आपको बताता हूं यानी अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो यहां सिक्स चैप्टर्स का एक चार्ट बनाया हुआ है और हर चैप्टर एक एकमे से कनेक्टेड है बहुत से स्टूडेंट का ये कहना है कि सर ये चार्ट्स पढ़ लो तो बस हमारा पूरा आईडी फटाफट रिवाइज हो जाता है आप ये भी कह सकते हो कि एक बार आपने आईडी मेरे साथ अच्छे से कर लिया तो चार्ट रिवीजन और क्वेश्चन दैट्स इनफ इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है तो चलिए ये चार्ट मैजिकल चार्ट कहा जाता है ओके okay, सर तो आपका यस मैजिकल क्वेश्चन बुक जो डिजिटल बुक आपको मिलेगी जिसकी लिंक आपके लॉगिन में प्रोवाइड कर दी जाएगी कोर्स मटेरियल में एज वेल एज ये चार्ट जो है फिजिकल कॉपी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तो। दोस्तों चलिए दोस्तों अब आता हूं मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन uh, पे और वो यहां पे चलिए यहाँ पे आ जाते हैं तो हमने यहाँ वॉल चार्ट्स के बारे में देखा ये टोटल आपको जीएसटी के क्विक रिवीजन वॉल चार्ट जो है ये आपको यहाँ पे जीएसटी के थ्री चार्ट्स मिलेंगे कस्टम्स का एक चार्ट मिलेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कोई चार्ट नहीं है ऐसे टोटल फोर चार्ट आपको आ जाएंगे और लास्ट चार्ट बुक जैसे बेटा ये एक जो चार्ट बुक मैंने बनाया हुआ है जो आपको लूंगा ये देखिएगा ये एक चार्ट बुक होता है जीएसटी के जो लास्ट टॉपिक होते हैं डिमांड अपील रिकवरी एडवांस रूलिंग उसको मैंने यहाँ पे ये चार्ट बुक में प्रेजेंटेशन में शायद आपको नहीं दिखेगा लेकिन ये चार्ट बुक में विद प्रेजेंटेशन मैंने ऐसे लगभग यहाँ पे हंड्रेड पेजेस ट्वेंटी पेजेस में चार्ट बुक में कन्वर्ट किया है जो जीएसटी के स्पेशली लास्ट टॉपिक को कवर करता है तो आपको एक चार्ट बुक मिलेगा कस्टम्स नहीं बेटा सिर्फ जीएसटी का ऐसा एक चार्ट बुक आपको मिलेगा तो आपका जो टोटल सेट होगा यहां पे फाइव प्लस थ्री प्लस फोर चार्ट यानी ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन तो यहां पे आपको जो है देखिए बेटा ऐसे आ, बुक्स प्लस चार्ट प्लस यहां पे क्वेश्चन आंसर मिला के ऐसे थर्टीन बुक्स का सेट आएगा बुक्स नहीं कहूंगा थर्टीन बुक्स ओके एन एक्सेट्रा यह आएगा ये आपको टोटल थ्री शिपमेंट्स में आएगा थ्री शिपमेंट में आएगा फर्स्ट शिपमेंट आपकी जो है ध्यान से सुनिएगा फर्स्ट शिपमेंट आपकी कस्टम्स से रिलेटेड कस्टम्स बुक और कस्टम बुक्स और क्वेश्चन एयर आएगा सेकेंड जो रहेगी उसमें जीएसटी का यहां पे मॉडल वन मॉडल वन प्लस मॉडल टू और ओके क्वेश्चन एयर का मॉड्यूल वन आएगा और बाकी बचा हुआ आपका थर्ड शिपमेंट में आएगा यह थर्ड शिपमेंट में बाकी बचा हुआ आएगा ठीक है सो so, ऐसे टोटल थ्री शिपमेंट्स में आएगा जिसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी सर कौन सा टेलीग्राम चैनल हम बात करेंगे तो आई होप बेटा आपको बुक्स रिलेटेड कंप्लीटली समझ में आएगा कि आपको कैसे मिलेगा डन ओके okay. अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट्स okay. आपको जैसे आपका टेम मे ट्वेंटी टू एग्जाम है या नवंबर ट्वेंटी टू है तो ऐसे सिचुएशन में अमेंडमेंट्स कैसे अप्लीकेबल होगी और ये कोर्स में आपकी अमेंडमेंट्स कैसे कवर की जाएगी चलिए अगर आपका मे ट्वेंटी टू एग्जाम है तो लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेबलिटी ऑफ अमेंडमेंट्स अगर हम यहाँ लें तो लास्ट डेट है बेटा थर्टी अक्टूबर ऑक्टोबर ट्वेंटी और आपका नवंबर ट्वेंटी एग्जाम है तो यहां पे थर्टीएथ अप्रैल अप्रैल 22 ये आपका लास्ट डेट है फॉर अप्लीकेबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट्स तो एक सवाल होगा कि सर अगर मैं मे 22 एग्जाम के लिए अपेड हो रहा हूं और ये कोर्स बाय कर रहा हूं तो यहां क्या मुझे अमेंडमेंट्स के कोई एडिशनल लेक्चर्स करने पड़ेंगे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं कोई एडिशनल लेक्चर्स आपको नहीं करने पड़ेंगे ये कोर्स में सारी अमेंडमेंट्स आपकी कवर कर ली जाएगी जो आपके एग्जाम को अप्लीकेबल है लेकिन जो स्टूडेंट नवंबर 22 एग्जाम के लिए अपेड हो रहा है उसका सवाल पहला सवाल होगा कि क्या सर ये कोर्स में बाय कर सकता हूं बिल्कुल आप बाय कर सकते हो ये कोर्स और आपकी जो भी अमेंडमेंट होगी उसके लिए आपके यहां पर थ्री टू फोर एडिशनल लेक्चर्स होते हैं वो एडिशनल लेक्चर्स में कवर कर लिया जाएगा एडिशनल लेक्चर्स में कवर कर लिया जाएगा और ये जो एडिशनल लेक्चर है थ्री टू फोर एडिशनल लेक्चर्स आपके एग्जाम के ढाई महीने पहले मतलब आपका नोवर ट्वेंटी है तो अगस्त फर्स्ट वीक में आपको ये channel, Academy, ये अमेंडमेंट्स हमारे चैनल चैनल वी स्मार्ट एकेडमी पे आपको मिल जाता है एज वेल एज मेरा पर्सनल चैनल जो है थिंक जीएसटी थिंग विशाल सर जो स्पेसिफिक जीएसटी के लिए है तो उस पर भी आपको ये अमेंडमेंट्स मिल जाएगी ओके okay, फिर से कह देता हूं वी स्मार्ट अकेडमी या थिंग जीएसटी थिंग विशाल सर पर आपको ये सारी अमेंडमेंट्स मिल जाएगी नाउ अब थोड़ा ये जो कोर्स है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा अगर आपका मे ट्वेंटी टू एग्जाम है तो यह जो हमारे लेक्चर्स है यहां पे कोर्स है यह कोर्स में मैंने एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग यूज किया है एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग यूज किया है जिसमें सारी अमेंडमेंट्स भी यूज की है सारी अमेंडमेंट्स कर ली है यानी यह ब्लेंडेड है स एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी में यहां जहां तक देखा जाए सुनियन से कस्टम्स में कस्टम्स एक्ट में यह दो अमेंडमेंट हुई है जो सिर्फ एक एक लाइन की अमेंडमेंट है एक एक लाइन के अमेंडमेंट है पर ओके okay, uh, इसका अप्लीकेबिलिटी डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है भाई हमारा ये मंथ चल रहा है सितंबर और इसका अप्लीकेबिलिटी का डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है पर एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के पहले आ जाएगा ठीक है तो ये दो दो लाइन के अमेंडमेंट्स ये दो सेक्शन में देखना है और कस्टम टेरिफ एक्ट में तीन अमेंडमेंट्स है तीन अमेंडमेंट्स है जिसमें यहाँ पे सेक्शन नाइन और नाइन ए में एक, एक पैरा एड किया गया है सेम पैरा नाइन में भी और नाइन ए में भी ओके okay, सेम पैरा एड किया है और एड बी में दो लाइन का एक्सप्लेनेशन ऐड किया है इसका भी अभी अप्लीकेबिलिटी डेट नहीं आया है लेकिन वो आ जाएगा और मैं इसको कवर कर लूंगा तो ये अगर आपका थर्टी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के पहले जो आना ही है अगर आ गया अप्लीकेबिलिटी डेट तो ऐसे केस में इसके एडिशनल दो पेजेस ओनली एडिशनल दो पेजेस मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा और ये सारी अमेंडमेंट्स मैं कवर कर लूंगा विथ एनालिसिस तो कस्टम में, में कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है इसलिए हमारे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है और वो आप यहां पे कर सकते हो और अमेंडमेंट्स अगर डेट नोटिफाई हो जाती है तो मैं यहां पे गिनकर एक घंटा उससे ज्यादा नहीं एक घंटे में मैं सारी अमेंडमेंट्स विद टू पेजेस ओनली मैं कवर कर लूंगा जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है जहां तक फॉरन ट्रेड पॉलिसी की बात आती है तो ये तो हम सबसे आखिरी में ले रहे हैं अगर नई फॉरेंटेड पॉलिसी आ जाती है तो वो मैं आपको पूरा कंप्लीटली दो लेक्चर्स नहीं ले लूंगा तो वो तो नए रिकॉर्ड होने वाले अगर न्यू फॉरनटेड पॉलिसी आ जाती है नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी की तो जीएसटी के अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट से जो हुए हैं ओके फाइनेंस एक्ट से जो हुए अमेंडमेंट्स है इसमें अभी तक तीन ही अमेंडमेंट्स लागू हुई है तीन ही अमेंडमेंट्स लागू हुई है और ये तीन अमेंडमेंट्स मैं आपको वो जो लेक्चर है पूरा नया फ्रेश रिकॉर्ड करके देने वाला हूं जहां ये अमेंडमेंट्स लागू हुई है ओके वो प्रोसीजर से रिलेटेड है रिटर्न से रिलेटेड है और पेमेंट से रिलेटेड है तो मैं पूरा फ्रेश रिकॉर्ड करके देने वाला हूं बाकी कोई भी अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट की लागू नहीं हुई हैं तो ये बात हुई हमारी एक्ट से रिलेटेड उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पे आईजीएसटी एक्ट में तो आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 16 में एक लाइन का अमेंडमेंट हुआ है वो भी मैं आपका कवर कर लूंगा यानी आपको अलग से लेक्चर नहीं अलग से लेक्चर नहीं लेक्चर के साथ साथ में ही कवर हो जाएगा उतना मैं अपडेट करके आपको दे दूंगा नेक्स्ट सर्क्यूलर होते हैं सर्कुलर एक्चुअली अमेंडमेंट्स नहीं होती है एग्जिस्टिंग लॉ को क्लैरिफिकेशन होते हैं और कस्टम्स में सर्कुलर मोस्टली नहीं होते सर्क्यूलर जो होते हैं जीएसटी में होते हैं तो ये सारे सर्क्यूलर्स में आपको जो हमारे रनिंग लेक्चर है उसमें ही आपको सारे अपडेट करके दे दूंगा कंप्लीटली फ्रेश रिकॉर्डिंग होगी जहां तक सर्कुलर और नोटिफिकेशन की बात है आई होप यू अंडरस्टूड बेटा तो यहां पर okay, जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन होते हैं वो एक्ट को नहीं बदलते हैं। वो एग्जिस्टिंग लॉ को एक्सप्लेन करते हैं और उसका स्कोप बढ़ाते हैं तो आपका ये मैं समझना कि अमेंडमेंट हो गया गया सर्कुलर में नोटिफिकेशन मतलब एक्ट ही बदल ऐसा नहीं होता है तो वो आपकी कवर कर लूंगा इसलिए यहाँ पे दोस्तों आपको जो कोर्स दिया जा रहा है जो यहाँ पे मे 22 एग्जाम के लिए तो जो मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है प्लस मैं यहाँ पे उसमें अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करके दूंगा और कंप्लीटली आपको हंड्रेड परसेंट यहाँ अमेंडेड लेक्चर्स मिलेंगे एश्योर यू आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और ये रिकॉर्डिंग अभी तीन महीने पहले हुई है जिसमें अमेंडमेंट में आपको करके दे रहा हूं नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपका यहां पे नवंबर 22 एग्जामिनेशन है तो मैं जैसा मैंने कहा कि आ, आपको ये एडिशनल लेक्चर्स करने पड़ेंगे तो ये बात हुई बेटा अमेंडमेंट्स रिलेटेड आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा डन चलिए अब हम बात करेंगे आपके डाउट्स और टेलीग्राम ग्रुप की जहां तक है दोस्तों आपके डाउट्स जो है ये जनरली हम व्हाट्सएप पे एंटरटेन करते हैं व्हाट्सएप पे एंटरटेन करते हैं और ये व्हाट्सएप आप नंबर आपको जो है ठीक है ये व्हाट्सएप आप नंबर आपको नोट्स के नीचे प्रोवाइड कर दिया जाता है लेकिन अभी डाउट्स पूछने के लिए हमने हमारा ऐप भी बनाया हुआ है हमारा वी स्मार्ट का एप बना हुआ है और ये जो वी स्मार्ट का ऐप बना हुआ बेटा वी स्मार्ट का जो एप बनाया हुआ है इसकी यहां पे आपको लिंक मैं में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा फॉर डाउनलोड और ये इस ऐप में आपने क्वेश्चंस कैसे पूछना है उसकी डिटेल्स भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है अब ये जो व्हाट्सएप आप, आपका डाउट पहले हमारे ऐप से एंटरटेन किया जाएगा लेकिन ऐप में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आते तो आप व्हाट्सअप पे भी पैरेलल जो है ओके आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो ठीक है अब यहाँ बेटा जनरली अब देखो स मेरे को 16 17 इयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता है कि आपके डाउट्स कैसे आते हैं लेकिन जीएसटी नया है बेटा हर चीज नहीं होती है मेरे सब्जेक्ट में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कोई प्रैक्टिकल केस भी रही तो आप इमिडिएटली पूछ लोगे तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मेरी जीएसटी रिसर्च टीम है जिसमें नाइन रिसर्च मेरे असिस्टेंट हैं यहाँ पे सभी सीए हैं, सभी ट्रेन हैं और यहाँ हमारा हर वीक में मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं तो आपके डाउट्स वैसे उस तरह से सॉल्व किए जाएंगे आपके डाउट्स उस तरह से जीएसटी रिसर्च टीम सॉल्व करेगी और इस ऐप में हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है कि कोई अगर रिसर्च टीम को नहीं समझ में आ रहा है तो वो डाउट मुझे फॉरवर्ड कर सकता है और उसका आंसर आपको मेरे तरफ से आ जाएगा मेरे तरफ से आ जाएगा बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हमने ये ऐप बनाया हुआ है डाउट्स के लिए तो आप अपने डाउट्स के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना और जो जो फैसिलिटी आपको व्हाट्सअप में मतलब आप फोटो निकाल के भेज दो ऑडियो भेज दो ओके पर मैं ऑडियो ज्यादा प्रीफर करूंगा या आप टाइप करके भेज दो ठीक है तो आपके डाउट्स जो है वो फोटो फॉर्म में भी ऑडियो फॉर्म में भी और आपका ओके यहाँ पे टाइप टाइप किया होगा तो वो फॉर्म में भी यहाँ हमारे ऐप से ट्रांसफर हो जाता है पर ऐप अभी डेवलपिंग स्टेज पर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं इसलिए हमने प, आपको पैरेलल व्हाट्सएप भी यूज करना है अगर आपका ऐप से डाउट सॉल्व नहीं हो पाया ठीक है चलिए नेक्स्ट अब आपको यह कह दू टेलीग्राम ग्रुप तो ये टेलीग्राम ग्रुप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में ध्यान से सुनिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको एक टेलीग्राम लिंक दी जाएगी ये टेलीग्राम लिंक स्पेशली आपके बैच ये बैच का ग्रुप रहेगा ये बैच का ये ग्रुप रहेगा टेलीग्राम लिंक तो आप वो टेलीग्राम लिंक इमिजिएटली ज्वाइन कर लीजिएगा एज वेल well एज आपके लॉग इन में दिया जाएगा अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला ओके okay, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है जो स्टूडेंट हमारे बैच का नहीं है वो भी ज्वाइन हो जाता है इसलिए अगर डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम लिंक नहीं दी गई कोशिश करूंगा अदरवाइज आपके लॉग इन में स्टडी ग्रुप में सुनिए आपके लॉग इन में जो स्टडी ग्रुप है उस स्टडी ग्रुप में आपको टेलीग्राम लिंक आ जाएगी दो जगह स्टडी ग्रुप दिया हुआ है एक कोर्स एक्टिवेशन में और दूसरा यहां पे कोर्स मटेरियल में दोनों में से दोनों जगह आ जाएगा दोनों में से कहीं पे चेक कर लेना आपका लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन देखने के पहले भी आप जो है आपका स्टडी ग्रुप देख लेना और वहां की जो टेलीग्राम लिंक दी है वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो ना अब अगर कोई रीजन की वजह से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप WhatsApp पे मैसेज भेजिएगा आप हमारी टीम आपको जो है या हमारे ऐप में मैसेज भेजिएगा हम आपको टेलीग्राम लिंक फिर से प्रोवाइड कर देंगे डन यस और नो तो ये था सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है ओके okay, आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए हो गए चलिए बेटा अब थोड़ा IDT पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं <coughs> फिर हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे ठीक है जैसे

और कस्टम्स के सेवन मार्क्स के सेवन टू एट मार्क्स के एमसीक्यू आपके आएंगे नेक्स्ट तो, तो आसपास जीएसटी में सब्जेक्टिव थेटिकल क्वेश्चन आएंगे और सेवन मार्क्स में कस्टम्स में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन थर्टी सेवन और कस्टम्स में इलेवन इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने एमसीक्यू भी प्रॉपर मैनेज कर लिया यानी एग्जाम्पल यहां अगर ले हम तो क्यू भी आपने मैनेज कर लिया और ये थर्टी मार्क्स में से आपने 20 मार्क्स कवर कर लिए चलो मैं मिनिमम कह रहा हूं 20 मार्क्स और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से सॉल्व करते हो और यहाँ पे टोटल जो है ये हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 40 मार्क्स भी ले लेते थर्टी सेवन प्लस 11 तो यहाँ पे 48 होते हैं तो 48 मार्क्स में से अगर आप यहाँ पे फोर्टी तो एट में से आप यहाँ थर्टी फाइव स्कोर कर लेते हो तो वैसे ही आप फिफ्टी फाइव मार्क्स ऐसे स्कोर कर लोगे फिर मिनिमम फिफ्टी फाइव फिर तो आपको ये जो थेरोटिकल यहाँ पे आपको एडिशनल मार्क्स लेने में हेल्प करेगा इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप आई पढ़ो तो आई पढ़ते वक्त आप बिल्कुल ऐसा मत समझो कि ये थेरोटिकल सब्जेक्ट है आई पढ़ते वक्त आपको ये रखना है कि भाई प्रैक्टिकल में इतने सिक्योर कर लेना है और इसमें इतने सिक्योर कर लेना है आपको फोटो निकालना है तो आप फोटो निकाल सकते हो यहाँ पर फोटो निकालना है तो आप निकाल सकते हो बेटा चलिए ठीक है बेटा यहां पे अब आते हैं आपका क्वेश्चन पेपर एक बार इससे रिलेटेड देख लो आपका जब ये क्वेश्चन पेपर अभी ये जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन पेपर है और यहां आ, ये उसका फर्स्ट पेज है अगर आप देखते हो ध्यान से तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट्स होते हैं पार्ट वन और पार्ट टू ठीक है पार्ट वन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है फटाफट देख लो और पार्ट टू जो है आपका बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप्स जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पार्ट वन जो है ओ एम बेसिस होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको नहीं लिखना है बाकी तो गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हो बट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं जैसा पार्ट वन आपका टोटल यहाँ पे थर्टी मार्क्स का होता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ सेवेंटी मार्क्स का होता है तो ये पार्ट टू जो है बेटा इसमें टोटल छः क्वेश्चंस होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इसमें टोटल छः क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी होता है ठीक है और बाकी आपको एनी फोर आउट ऑफ रिमेनिंग फाइव बाकी रिमेनिंग फोर आपको आउट ऑफ फाइव जो है ये आपको सॉल्व करना है वर्किंग नोट शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ योर आंसर वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे डन अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जनरली ये पहला क्वेश्चन नंबर वन फोर्टीन मार्क्स का होता है और वो जीएसटी से रिलेटेड होता है ओके okay, और ये लंबी केस स्टडी होती है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और केस स्टडी कम न्यूमेरिकल्स के साथ ओके क्वेश्चन होता है जो ये yes, सॉल्व करने में लगभग आधी घंटा ले लेता है वैसे लास्ट के सेशन में मैं आपको ये सब जानकारी दूंगा और उसके बाद में आपको जो है ऐसे फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कुछ ये जैसा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा थेटिकल सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फाइव फोर यहाँ पे अगेन ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और फाइव ऐसे फोर्टीन फोर्टीन मार्क्स ईच होता है और फाइव फोर फाइव इस तरह से आपका आता है जिसमें कस्टम्स और एफ टी पी कम्बाइन आता है जी एस टी प्लस कस्टम जीएसटी प्लस एफ टी पी इस तरह से कंबाइन क्वेश्चन आते हैं आपको तो ये बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न मैंने जस्ट थोड़ा झलक यहाँ बता दिया डिटेल डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखा रिगार्डिंग टू पेपर एनालिसिस तो चलिए दोस्तों ये हमारा लेक्चर जीरो जीरो और अब हम लेक्चर जीरो वन स्टार्ट करेंगे पहला लेक्चर ज़्यादा नहीं दो घंटे का ही लेक्चर है दो घंटे का ही लेक्चर है और पहला लेक्चर बिल्कुल आराम से सुनना मुझे आराम से सुनना अरे भाई मैं अच्छा लगूँ या ना लगूँ बिल्कुल सुनना बेटा ओके इतने सारे रैंकर्स आए हैं कुछ तो होगा वैल्यू एडिशन आपके इसमें भी ठीक है मुझे पता है कि कैसे वैल्यू एडिशन करना है पहले दो लेक्चर्स और फिर देखो कैसे कैसे हम डिटेल में जाते हैं और किस तरह से हम यहां पे एनालिसिस करते हैं और कस्टम्स को एंजॉय करते हैं और मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट आपका बनेगा और यहां पे आप वो एटी टारगेट करे, करेंगे तो मैं हर बार कहता हूं पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि कान कर देंगे सब तरफ अपनी डिमांड कर देंगे ठीक है और दोस्तों मैं आपको ये कह दू यहां पे कि यस मैं डेली बेसिस पे जो कहूँ वो चीजें आपने करना है अगर पहला कदम आप बढ़ाओगे तो मंजिल जरूर हासिल होगी बस पहला पग आपको बढ़ाना है सो थैंक यू हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर जीरो वन से तो आप अभी अभी कंटिन्यूटी में देख लेना लेक्चर जीरो वन ठीक है थैंक यू ऑल द बेस्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा मैं डेली आपसे बात करते रहूंगा डेली तो नहीं पर जब भी मुझे लगे ऐसा तो आपसे बात करते रहूंगा ठीक है और कभी कभी YouTube पे आओगा तो उसका भी लिंक मैं डालूंगा सो so दैट आप मुझसे YouTube पे भी इंट्रैक्ट कर सकते हो या Zoom पे भी इंटरेक्ट कर सकते हो तो हमारा Telegram ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जीरो वन जो अभी आपको कंटिन्यूटी में देखना है थैंक यू